हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी का अहम मुकाबला था, हिस्टोरिकल डूरन कप 2024 का सेमीफाइनल मुकाबला था शिलोंग लाजोंग एफसी के खिलाफ। और दूसरा प्रेशर ये था कि एक नॉर्थ ईस्ट डर्बी था और ये मैच को जीतना नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था, क्योंकि ये मैच को जीतने के बाद ही डूरन कप 2024 के फाइनल में नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी प्रवेश कर जाती। लेकिन दोस्तों, शिलोंग लाजोंग एफसी अपने होम ग्राउंड में खेलने का एडवांटेज ले सकती थी, वैसा नहीं हुआ। और मैंने आप सभी को प्रीव्यू वीडियो में ही बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी का क्वालिटी शिलोंग लाजोंग एफसी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। सिर्फ प्रेशर है तो वो है क्राउड का। शिलोंग लाजोंग एफसी का जो होम क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करती है। वही प्रेशर को अगर नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी झेल लेती है तो क्वालिटी जैसा है नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी का, आराम से ये मैच जीत सकती है और फाइनल में प्रवेश कर सकती है। और वैसा ही हुआ, क्वालिटी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जुआन पेद्रो बिनाली का टैक्टिक्स, क्योंकि जुआन पेद्रो बिनाली ने गुलिरमो फर्नांडिस को बेंच कर दिया था और स्टार्टिंग लाइनअप में अलादीन हजारी को खिला रहे थे। ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा चेंज ये था, ना रडीम लांग थे ना ही पार्थिव गोगोई थे, बल्कि थोय सिंह को शुरू किया था। और ये दोनों ही खिलाड़ियों ने स्कोर किया है फर्स्ट हाफ में। 12वें मिनट में थोय सिंह का एक शानदार फिनिश आता है, काफ़ी ज़्यादा फॉक्स इन द बॉक्स वाला फिनिशिंग आता है थोय सिंह के तरफ से। और उससे पहले ब्रिलियंट लिंक अप प्ले होता है, जीती नेमेस का असिस्ट आता है और 12वें मिनट में ही यहाँ पर थोय सिंह लीड दे देते हैं नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी को। और नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली मिडफील्ड को कंट्रोल कर रही थी और नेस्टरल बिया का शानदार बॉल जाता है अलादीन अजारी को। और फर्स्ट ट्राई में अलादीन अजारी मिस कर देते हैं पोस्ट को लगता है, और सेकेंड चांस में वो फिनिश कर सकते हैं और कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है लाइन्समैन और रेफरी के बीच और वो गोल को डिसअलाउ कर दिया जाता है ऑफ साइड के कारण। लेकिन दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग मिटाकर रेफरी ने जो डिसीजन सही था वही दिया। स्कोर नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी दूसरा स्कोर करने में कामयाब होती है और 2-0 से नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी को इस अहम प्रेशर वाले मुकाबले में आगे हो जाती है नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी। और फर्स्ट हाफ में कंट्रोल लेने के बाद सेकेंड हाफ में भी कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही थी नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी की टीम। और कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, अलादीन अजारी की जगह हमजा इब्राहिम को उतारते हैं जुआन पेद्रो बिनाली, ताकि डिफेंसिवली थोड़ी सी स्ट्रांग हो सके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम। और एक चेंज होता है, नेस्टर अल्बिया की जगह गुलिरमो फर्नांडिस आते हैं और लास्ट के मिनट में जाकर पार्थिव गोगोई बेंच से आकर स्कोर लाइन 3-0 कर देते हैं और जीत सुनिश्चित कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों, पहली बार अपने इतिहास में नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी ने डूरन कप का फाइनल में प्रवेश किया है और सेकंड सेमीफाइनल है कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी और मोहन बगान सुपर जॉइंट के बीच। तो ये दोनों टीमों में से कोई एक टीम फाइनल में भिड़ेगी नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी के साथ और फाइनल कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी को ट्रैवल करना पड़ेगा कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। और स्पेशल परफॉर्मर्स के बारे में बात करें तो थोय सिंह ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, नेस्टरल बियाक पहले से ज़्यादा अच्छे फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंसिव क्वालिटी के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी का फिर से वो क्वालिटी दिखा है और पिछले 5 मैचेस में नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी ने ऑलमोस्ट 16-17 गोल स्कोर कर दिया है और एक गोल ही मात्र कंसीड किया है। तो बहुत ही डेंजरस परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर फाइनल में उतरेगी नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी। और देखना यह है, क्या अपने इतिहास में पहली बार नॉर्थ ईस्ट रोनर एफसी ट्रॉफी जीत सकती है या फिर नहीं। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।